सफलता ये अच्छी गेंद गेंदबाज की अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ पिच अच्छा किया था थोड़ी सी दिशाहीन के चलते अंपायर ने वाइड का इशारा दिया एक्स्ट्रा के रूप में एक रन जरूर खाते में जुड़ेगा एक रन के एवज स्कोर बढ़ता हुआ केवल एक रन बल्ले से आता हुआ एक भी नहीं है एक्स्ट्रा के रूप में ये रन मिला है इस गेंद पर एक रन आता हुआ उठाया है इस बार कवर जोन पर आती हुई और सफलता रही यहां पर डिनर का काउंटर वहां पर लग चुका है सो जिस किसी को भी अपना डिनर लेना हो सो प्लीज टेंट में आ जाए डिनर यहां पर लगा हुआ है चलिए सर मैच स्टार्ट करेंगे प्लीज मैच जल्द से जल्द जरा कंटिन्यू रखें हेलो
उठाया है इस बार। रन आउट का यहां पर मौका बन सकता था, दो रन आसानी के साथ चुरा लिए गए, दो रन के वजह से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। गई है ओवर द बाउंड्री रो 6 रनों के लिए। बिल्कुल सीधे बल्ले से स्ट्रोक, एक रन बढ़ता हुआ 15 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। पार्क स्ट्रोक का कॉर्नर जोन पर जाती हुई अगेन, एक रन की ओवर स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 1.5 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ। हल्के हाथ से कट करने का प्रयास किया था, गेंद रही बल्ले से दूर, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जब चाहे 16 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। I request Rutubna and Afrin, please come with the stuff at JSK 247 book. अंपायर का इशारा पावर प्ले का मिलता हुआ। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, एक और अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के रूप में खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर।
अच्छी गेंद जड़ों में डाली थी, गेंद एक रन जरूर मिलेगा इनको। एक रन के बस बढ़ता हुआ 20 रन दो विकेटों के नुकसान पर। ये रन आउट का मौका था, यहाँ पर मौका जरूर छूटा है और देखते ही ए आउट यहाँ पर। ये बिमर है या नहीं, अंपायर के इशारे का इंतजार। जी हां, अंपायर का नो का इशारा मिलता हुआ बिमर डिलीवरी, नो बॉल, इट्स इनलीगल डिलीवरी, नो प्लस वन। एक दौड़ कर पूरे गए हैं तो दो रन खाते में जुड़ते हुए, दो रन के एवज स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन तीन विकेटों के नुकसान पर। ये उठाकर खेला स्ट्रोक, नीचे है फील्डर और आसान सा कैच, फ्री हिट पर कैच तो पकड़ा है पर कोई फायदा नहीं इस विकेट का। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड 23 रन तीन विकेटों के नुकसान पर।
24 रन स्कोर कार्ड 3 विकेटों के नुकसान पर। भाई भाई ये उठाकर खेला गया स्ट्रोक, कैच मिस हुआ है मिड विकेट पर, एक रन जरूर यहां पर मिलेगा। 3.2 ओवर का खेल अब तक समाप्त, 25 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। कवर्स के ऊपर सीधे फील्डर के दस्तानों में एक और सफलता यहां पर गेंदबाज के नाम। ये उठाकर खेला गया स्ट्रोक, काउ कॉर्नर जोन बाउंड्री के करीब जाती हुई ये गेंद। आखिरी गेंद अभी भी बाकी इस ओवर की समाप्ति के लिए। ये बड़ा हिट खेला है गेंद डीपर, डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथों में जाती हुई ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर, 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल अभी भी शेष। चलिए मैच जरा जल्दी स्टार्ट रखें प्लीज।
बहुत ही अच्छी डिलीवरी इस बार। ये उठाया है और सेकेंड अटेम्प्ट में सीधे फील्डर के दस्तानों में। एक और सफलता यहां पर गेंदबाज के नाम, पांचवें विकेट का पतन होता हुआ 33 रन पर 5 विकेट। तैतीस रन 5 विकेट के नुकसान पर, 4.2 ओवर का खेल समाप्त। चौंतीस रन स्कोर पर 5 विकेटों के नुकसान पर। ये किया है पुल, हेलो, 5 ओवर की समाप्ति 36 रन।
गेंदबाजी मार्ग से गेंदबाज ये उठाकर खेला स्ट्रोक, फील्डर दौड़ते हुए आया है और ये आसान सा कैच, उसी प्लेयर ने तीसरा कैच पकड़ा है और सारे ही कैच छोड़ पकड़ करते करते पकड़े हैं। नेक्स्ट बॉलर अभी बंद हो गया, बंद हो गया। पांच दशमलव तीन ओवर का खेल समाप्त, 37 रन स्कोर कार्ड पर 6 विकेटों के नुकसान पर। टॉस के लिए अगले टीम को आना है, टीम डीजी वॉरियर्स वर्सेस मार्चिंग एंजल्स। मार्चिंग एंजल्स ओके टाइटल स्पॉन्सर के स्टेज पर जेएसके 247 बुक के स्टेज पर आना है मार्चिंग एंजल्स और टीम डीजी वॉरियर्स, डीजी वर्क्स। कल एक जगह किए थे वहां पर वॉरियर टीम थी, तो कंटिन्यू वर्ड वो वॉरियर ही मुंह पे आ जाता है। डीजी वर्क्स और मार्चिंग एंजल्स, ये बड़ा हिट मिड विकेट पर उठा कर खेला, वन बाउंस प्लेयर के हाथों में जाती हुई अगेन, केवल एक रन तो प्राप्त होंगे यहां पर, दो गेंदे अभी भी शेष है इस पारी की समाप्ति के लिए। ये फुल टॉस बॉल और फील्डर से मिस होती हुई अगेन सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। इस वक्त 42 रन स्कोर कार्ड पर, 42 रन स्कोर कार्ड पर आखिरी गेंद अभी भी शेष। लास्ट बॉल सर, लास्ट बॉल, 1 टू गो। फर्स्ट बॉल डेड बॉल है क्या? ओके फिर 4 बॉल हुई है।
45 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर, 46 यानी 46 रनों की आवश्यकता, 46 रनों की जरूरत। चलिए टॉस के लिए आना है डीजी वर्क और मार्चिंग एंजल्स, देव सर और मोजो सर। मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। यहां पर आर्टिस्ट रूट टाइटंस वर्सेस डीसीएसी चैंपियंस के बीच में मैच खेला गया, जिसमें डीसीईसी ने पहले बल्लेबाजी करके 45 रन बनाए हैं 6 ओवरों में और लगभग 46 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा है 6 ओवर में, लगभग 7.5 रन रेट, रन रिक्वायर्ड रेट से यहां पर रन बनाना है। आर्टिस्ट रूट टाइटंस को तो हमारी आपसे दरख्वास्त है मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। हमारे दोनों ही काबिल अंपायर एक बहुत ही बेहतरीन यहां पर अपनी भूमिका निभाते हुए अपने विकेटों तक पहुंच चुके हैं, तो मेरी गुजारिश है आर्टिस्ट रूट टाइटन से कि अपने बल्लेबाज भेजें, और डीसीसीईसी चैंपियन से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द फील्ड को सजाएं और मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, वक्त की नजाकत को समझे, वक्त की ताकत को समझे और मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। डीजी बॉस एंड मार्चिंग एंजल्स के दो कैप्टन आ जाएं यहां पर जेएस 247 बुक के स्टेज पर, ताकि हम मिस्टर देव ठाकुर आ चुके हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिराज भाई से जल्दी से जल्दी आए, विद इन 1 मिनट विल क्लोज दिस एंड विल स्टार्ट अगेन नेक्स्ट मैच। मिस्टर जो प्लीज प्लीज कम फास्ट, क्योंकि देव ठाकुर आ चुके हैं और आपको कुछ बोलना चाहते हैं। अंपायर यू हैव ऑल द राइट्स, आप पेनालाइज कर सकते हैं इफ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ डिले फ्रॉम एनी साइट, यू हैव ऑल द अथॉरिटीज कमिटीज विद यू, आपके साथ है ऑर्गेनाइजिंग टीम, आपके साथ है, अगर आपको लगे कोई डिले कर रहा है तो आप उसे पेनालाइज कर सकते हैं, तो प्लीज मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। आत्मा म्यूजिक आत्मा म्यूजिक आत्मा म्यूजिक अंपायर अपने विकेटों पर मौजूद हैं और डीसीईसी ने अपने फील्डर आ तो गए हैं लेकिन अब तक फील्ड सजी नहीं है और आर्टिस्ट रूट टाइटंस के बल्लेबाज यहां पर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी तक, तो मेरी उनसे गुजारिश है जल्द से जल्द आए और विकेट पे अपनी मौजूदगी दें, मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें, क्योंकि आपको बताता चलूं अंपायर्स को सारी अथॉरिटी दी गई है, अगर वो पेनलाइज करना चाहें तो आपको पेनलाइज कर सकते हैं, कमिटी और जो हमारी इवेंट मैनेजमेंट है वो आपके साथ है। बारिश हो रही है सर, मैं भी आऊं वहां पे, मुझे भी बुला रहे हैं आप, अच्छा चलेगा, सबको बोल दीजिए रेनकोट पहन ले और मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। और यहाँ पर कुदरत भी थोड़ी सी मेहमान है, इस कुदरत ने देखा है सवेरे से इतनी मेहनत करते हुए, इतनी गर्मी में इतना पसीना। इस वक्त यहाँ पर उपस्थित हैं आत्मा म्यूजिक के मैनेजिंग डायरेक्टर अजित के शुभ हस्त के मुबारक हाथों से इस मैच का टॉस होगा। डीजी वर्क्स और मार्चिंग एंजल्स के दोनों ही कप्तान यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए टॉस के लिए दोनों ही कप्तान यहां पर उपस्थित हैं, तो पायलट कभी मिलेगा ना, अय्यूब भाई टॉस करेंगे, मैं अय्यूब भाई से करूंगा आपका म्यूजिक के मैनेजिंग डायरेक्टर अय्यूब भाई से रिक्वेस्ट के सर।
हाथों से होगा इस मैच का टॉस। जल्द से जल्द साउंड को अंदर ले लें। थैंक यू सिराज सर। यहां पर पहली गेंद पर बहुत ही खूबसूरती से दो रन लेकर यहां पर अपने टीम का खाता खोला है। अय्यूब कुरैशी साहब इस वक्त यहां पर हमारे डाइस पर जलवा फरमा है। मैं इनका खैर मकदम करता हूं, जिनकी गहराइयों से इनका इस्तकबाल करता हूं। साथ ही साथ करण भक्त से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे डाइस पर हमारे मंच पर आ जाए ताकि आपका भी एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए। सर अय्यूब कुरैशी साहब यहाँ पर हाजिर है, मैं जानना चाहूंगा सर आप अपनी आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मैं दिल की गहराई मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि इतने बड़े इवेंट में आपने स्पॉन्सरशिप दी है और इन लोगों की हौसला अफजाई की है। इस इवेंट को सर आप अपनी नजरों में कैसा देखते हैं, रेड चेरीज के इस इवेंट को आप अपनी नजरों में कैसा महसूस करते हैं? सर आपकी ये कंपनी आत्मा म्यूजिक आप म्यूजिक को रिप्रेजेंट म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स प्लेटफॉर्म दिया गया है कि सिर्फ म्यूजिक के साथ साथ जो उनके अंदर को लेकर कोई दिल में ख्वाहिश हो या उनके अंदर कोई एक्टिविटी करने की इच्छा हो और उस कला को बाहर निकालने का स्टेज रेड चेरीज ने दिया है, तो मैं रेड चेरी के बारे में आपसे दो शब्द जानना चाहूँगा। सर इस YouTube चैनल के माध्यम से आज 155 कंट्रीज में इस चैनल को लोग देख रहे हैं, YouTube में बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हैं वो लोग भी देख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा उन दर्शकों के लिए आत्मा म्यूजिक के बारे में आप कुछ बताएं कि आत्मा म्यूजिक है क्या? सिर्फ एक नाम से ही पता चलता है कि म्यूजिक है, बेसिकली ये काम क्या करता है, इसके पीछे क्या राज है, आप क्या करते हैं, इसके किस तरह से लोगों को मौका मिलता है नहीं मिलता, जो भी इसके पीछे मुख्तसर से जुमलों में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को आत्मा म्यूजिक के बारे में? बहुत बकवाद है, मैं हमारे YouTube के दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग YouTube पर हम मुझे सुन रहे हैं या इस इवेंट को सुन रहे हैं, मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा अगर आपके अंदर अच्छा गाने की क्षमता है, आप अच्छी सुरीली आवाज रखते हैं, आप संगीत से प्रेम करते हैं, तो आत्मा म्यूजिक चैनल के पेज पर जाएं, वहां पर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दें। यहां पर उनके ओनर्स मौजूद हैं, इन्होंने कहा है कि ये नए टैलेंट को मौका देते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी कला का प्रदर्शन करें और इनके पास आए, इनसे रिश्ते में रहें। हो सकता है कल आने वाले दौर में, एक नए दौर में आप एक नए सितारे बन के उभरें और आपकी आवाज को आपकी कला को ये लोग सराहें और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ला
बनाकर आपको हिंदुस्तान के सामने एक सिंगर बनाकर रिप्रेजेंट करें, ऐसी दुआओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर आप लोगों का कि आप लोगों ने इस इवेंट में अपना योगदान दिया और केयूर सेठ के हमरा आकर आप लोगों ने एएमटीएल में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए सभी आप लोगों को दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ और बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलते हैं कॉम्बॉक्स में, ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। थैंक यू सिराज सर। यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद भाई साहब हेलो माइक चेक। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन। अगली गेंद खेला है उठाकर, देखना होगा फील्डर आते हुए गेंद के नीचे, लेकिन अब काफी नो मैंस एरिया लैंड में लैंड होती। दस रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करते हुए एक बेहतरीन सा लक्ष्य रखा है यहां पर। 29 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता यहां पर आर्टिस्ट रूट टाइटंस को इस मैच जीतने के लिए। अगली गेंद फिर से बहुत ही अच्छा, एक जबरदस्त क्रिकेट शॉट, वन बाउंस जाती हुई सीधा सी मारे का पार, अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। और इस 4 रन के साथ स्कोर में थोड़ी सी फुर्ती दिखाते हुए बेहतरीन सा अपडेट देता हुआ 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। लिया है डीप मिड ऑफ के जानिब और अंपायर का इशारा जाता हुआ 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। बहुत ही अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, एक सटीक बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए सलामी जोड़ी। अगली गेंद खेल दिया है, उसे कट किया है, अंपायर का इशारा आउट। बहुत ही जबरदस्त जड़ों में, भाई साहब बहुत ही अच्छी जबरदस्त जड़ों में डाली हुई गेंद सीधा फर्नीचर बिखेरा यहां पर, गुल्लियां उड़ी और स्कोर हो चुका है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीत के लिए 26 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत। अब आए हैं रोहित, अगली गेंद बहुत ही एक अच्छी गेंद थी, उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। अगर चाहते तो इस गेंद को ग्राउंड के किसी भी दिशा में खेल सकते थे और ज्यादा रन बटोर सकते थे, लेकिन सम्मान दिया पता नहीं क्यों इस गेंद को। अगली गेंद फिर से एक फ्लिक ऑफ द रिस्ट खेला और सीधा शॉट मिड ऑन के फील्डर के हाथों में बिना किसी रन के, दो बैक टू बैक डॉट बॉलों के साथ स्कोर थमा हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 24 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत। मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें प्लीज।
दो ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान, 24 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत यहां पर इस मैच को जीतने के लिए आर्टिस्ट रोड टाइटंस के लिए। अंपायर का इशारा, पावर प्ले का ओवर, एक पावर हिटिंग मौका यहां पर देते हुए बल्लेबाजी टीम को मैंडेटरी पावर प्ले, और उसका देखते हैं पूरा फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज। और पावर प्ले का ओवर सस्ता हुआ, अंपायर का इशारा कॉप प्लीज प्ले ऑन, यहां पर अंपायर का कॉल ऑन है, ऑन है, मैच को चलते तक करता हुआ वक्त काफी तेजी से, ओवर रेट का भी ख्याल रखें, सभी टीमों से गुजारिश है। चार रनों के लिए, इस चार रन के साथ बढ़ता हुआ रन स्कोर 22 रन एक विकेट के नुकसान पर, बहुत ही अच्छा शॉट, कॉन्फिडेंस भरा शॉट, एक नजाकत और ताकत का मिश्रण दिखाते हुए, और थोड़ी सी मिसफील्ड के चलते बेहतरीन चार रन यहां पर जुड़ते हुए स्कोर कार्ड में और 22 रन पर एक विकेट। इस बार फिर से खेल दिया है पुल शॉट, वहां पर जब तक के फील्डर फील्ड करते डीप स्क्वायर लेग में, एक रन आसानी से पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 23 रन विद द लॉस ऑफ वन विकेट, 23 रन एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतर एक करारा शॉट, राहुल द्रविड़ की याद दिलाती हुई ये शॉट, बैक फुट पर लेट थोड़ा सा रहकर एक स्टैंड एंड डिलीवर, एक टॉल खड़े होकर एक सीधा और एक चार रनों के लिए, इस चार के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 27 रन एक विकेट के नुकसान पर। गेंद फिर से उसे कट कर दिया है पॉइंट के फील्डर ने, उसे फील्ड किया जब तक के फील्ड करते, एक रन आसानी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 28 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ बेस गेंदों में 18 रनों की जरूरत, रन गेंद से कम हो चुके हैं। के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 29 रन विद द लॉस ऑफ वन विकेट, 29 रन एक विकेट के नुकसान पर। 20 गेंदों में 17 रनों की जरूरत, दिल्ली फिर से बहुत ही अच्छा जबरदस्त चहलकदमी देखना होगा फील्डर वहां पर, लेकिन पूरा ताकत नहीं मिला और थोड़ा सा भाग्यशाली रहे, अगर शायद या तो पूरा 100% ताकत लगता या और या तो ये जो 30% ताकत लगा है इसमें फायदा हुआ, अगर बीच में 70% का अगर एक ताकत लगती तो शायद सीधा फील्डर के हाथ में जाती, तो इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन
स्कोर यहां पर दर्शाता हुआ 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 19 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत। पावर प्ले का आखिरी ओवर आखिरी गेंद फिर से उसे खेल दिया है धीमे हाथों से, जब तक के फील्डर फील्ड करते काफी तेजी से बिजली की तरह आए गेंद पर और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 31 रन विद द लॉस ऑफ वन विकेट आफ्टर 3 ओवर्स। 18 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत। रिक्वायर्ड रेट है दर्शाती हुई 5 की। गेंदे 15 रन, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, कांटे भरा, बहुत ही जबरदस्त मैच दोनों ही टीमों के बीच में देखने को मिलता हुआ। AMPL और मैनेज्ड बाय रेड चेरीज आर्टिस्ट मैनेजमेंट प्रीमियर लीग, टाइटल स्पॉन्सर है JSK 247 बुक, मीडिया पार्टनर है मिड डे। तीन बड़ी शॉट और मैच इन, देखना होगा क्या जवाबी कार्रवाई में क्या करती है DCEC, क्या उनके पास बदलाव लाने वाली गेंद पास है, पास है, मैच को पुल करने वाली गेंद पास है। यहां पर मैच में वापसी करने के लिए जादुई एक मैजिकल बॉलर की जरूरत यहां पर, जो आगे मैजिक गेंद सुपर गेंद यहां पर करे और एक मैच में वापसी कराने की कोशिश करे। देकर जाएगी पूरे 6 रन 37 पर एक विकेट 17 गेंदे 9 रनों की जरूरत। आप एक लकी चाम थे अपने टीम के लिए, जहां आप डगआउट की तरफ गए आपका दोस्त आपका साथी बल्लेबाज भी डगआउट की तरफ चला गया तो एक हवाए है जीत के लिए मात्र 15 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत जो दर्शाता हुआ 2 का 40 लॉस ऑफ 2 विकेट। देखना होगा, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज ने, बैक टू बैक बहुत ही बेहतरीन एक बड़ा सिक्सर और एक चाओ का लगाकर मैच को इन अपने जेब में कर लिया था। तो देखना होगा यहां पर अब क्या होता है, क्या होता है। 15 गेंदे 5 रन, क्या इन बची हुई 3 गेंदों में मैच को खत्म करने की कोशिश करेंगे, रन रेट में अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज। जितनी धीमी गेंद थी उतना ही धीमा खेल पर एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 42 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट, 42 रनों पर 2 विकेट। अभी भी 14 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 1.7। क्या एक बड़ा शॉट, गेंद को गेंद की रिश्ता पहुंच नहीं पाए, रिश्ता पहुंच नहीं पाए
यहां पर एक डॉट बॉल पे स्कोर कमा हुआ 42 रन विक्टर लॉस ऑफ 2 विकेट। अब 13 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत यहां पर देखना होगा। इस आखिरी गेंद पर चक्का लगाकर मैच को पिन करेंगे प्रयास तो पूरा करते हुए बल्ले पर गेंद बहुत ही बेहतर शॉट लेकिन देखना होगा कनेक्शन और चार रनों के लिए और इस चार रन के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन टू द आर्टिस्ट रूट टाइटंस ने यह मैच अपने नाम किया और डीसीईसी चैंपियंस ने काफी अच्छा यहां पर प्रतियोगिता खेला यहां पर।